हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज, वेलकम टू बीइंग फिश को। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैल्मन एंड ईल के माइग्रेटिंग हैबिट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हो जाते हैं किसी भी फिश रिलेटेड एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सैल्मन से। सैल्मन का जो माइग्रेशन टाइप है वो है एनाड्रोमस माइग्रेशन, डैट इज़ कि ये सी टू रिवर माइग्रेट करते हैं। एनाड्रोमस माइग्रेशन, माइग्रेशन शोन फ्रॉम सी टू रिवर, डैट इज़ फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये माइग्रेट करते हैं। तो हम लोग एडल्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एडल्ट, फिर उसके बाद वो स्पॉनिंग एडल्ट बनते हैं, फिर वो एग्स डिपॉजिट करते हैं, एग्स कन्वर्ट होते हैं एल्विन में, एल्विन फ्राई में, फ्राई पार में, पार से फिर स्मॉल्ट, और फिर फर्दर ये एडल्ट बनते हैं, और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दो कलर में डिनोट किया है। जो यहाँ पर ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है मरीन वाटर को, यानी कि सी को, और जो यहाँ पे ग्रीन कलर है वो इंडिकेट कर रहा है रिवर वाटर को। तो देखने वाली बात ये है कि जो स्मॉल्ट स्टेज है वो देखिए, वहाँ पे ग्रीन कलर और डार्क ब्लू कलर दोनों है, यानी कि ये वो स्टेज है जो रिवर टू सी मूव करता है। क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेज है सैल्मन के लाइफ साइकिल का जो रिवर टू सी मूव करता है, तो आंसर होता है स्मॉल्ट। ओके, और स्पॉनिंग एडल्ट रिवर में जाके स्पॉन करते हैं। तो यहाँ पर आप डार्क ग्रीन कलर देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो फ्रेम हो जाते हैं यहाँ से वो है, स्पॉनिंग एडल्ट फाउंड इन रिवर्स, न्यूली हैच्ड सैल्मन इज आल्सो नोन एज एल्विन्स, कैमोफ्लेज्ड फ्राई और आल्सो नोन एज पार, एंड स्मॉल्ट इज डैट स्टेज विच माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू सी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ईल के माइग्रेशन के ऊपर। ठीक है, ईल का माइग्रेशन टाइप जो है वो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन, डैट इज कि ये रिवर टू सी माइग्रेट करते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर से मरीन वाटर। ओके, अगर इनका हम लोग माइग्रेशन देखें तो कहाँ से होगा, तो सबसे पहले मैच्योर डील से, मैच्योर डील एग डिपॉजिट करेंगे, एग कन्वर्ट होगा लेप्टोसिफेलस लार्वा स्टेज में, फर्दर फिर ये ग्लास ईल, फिर ये एल्वर, फिर येलो ईल, देन सिल्वर ईल, देन अगेन मैच्योर डील। अब देखिए, यहाँ पे मैंने तीन कलर से यहाँ डिनोट किया है। जो डार्क ब्लू कलर है वो यहाँ इंडिकेट कर रहा है मरीन इन्वायरमेंट को, ग्रीन कलर रिवर इन्वायरमेंट को, और जो ऑरेंज कलर है वो इंडिकेट कर रहा है एस्चुराइन इन्वायरमेंट को। डैट इज़ कि ग्लास ईल और सिल्वर ईल ये एस्चुराइन स्टेज में पाए जाते हैं, बाकी मैच्योर ईल एग एंड लेप्टोसिफेलस लार्वा ये मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एल्वर एंड येलो ईल ये रिवरीन इन्वायरमेंट में, यानी कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके, ये इंडिकेटर है। कुछ क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम में आते हैं वो ये है कि ग्लास ईल्स आर ट्रांसपेरेंट, देन ग्लास ईल्स डेट इज बोथ मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर बिकॉज दे आर फाउंड इन एस्चुराइन इन्वायरमेंट, एंड सिल्वर ईल ऑल्सो फाउंड इन बोथ मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, डेट इज़ इन एस्चुराइन इन्वायरमेंट। ओके, तो ये थे सैल्मन और ईल की लाइफ साइकिल, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ओके, डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग बीइंग फिश को। थैंक यू।